Actor Saif Ali Khan, Alia Bhatt, Soha Ali Khan and Kunal Kemu were present at an event to promote and create awareness for adoptions of pets. मतलब इट्स इचिंग टू गो एंड जस्ट पिक अप वन ऑफ दीज कैट्स और डॉग्स एंड टेक देम होम, पर मेरी मम्मी बहुत मारेगी मुझे. आई ऑलरेडी हैव टू कैट्स एट होम एंड मुझे इतना टाइम नहीं है टू लुक आफ्टर अ कैट राइट नाउ एट दिस मोमेंट, क्योंकि हम लोग घर भी बदल रहे हैं और वो प्रॉब्लम है. बट आई थिंक हमको ले लेना चाहिए. मेरी मम्मी ने एक्चुअली पहले से वार्निंग दिया है कि इफ़ यू ब्रिंग होम अ कैट देन आई एम गोना किल यू. आई थिंक मैं पहले तो यहाँ के बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं मुझे दिखाई दिया है कि 40 पेट्स को ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया है एंड दैट्स वेरी नाइस, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये इनिशिएटिव काम कर रहा है. लोगों को समझ में आ रहा है कि दिस इज़ अ गुड वे ऑफ अडॉप्टिंग एनिमल्स एंड इफ यू वांट पेट्स इन योर हाउस, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है. हमारे घर में अभी दो हैं, गुलाब एंड जामुन, एक लड़का एक लड़की. थैंक्स टू टैरो, इन्होंने ढूंढ के दिए हमें. और हमेशा चहल पहल रहती है, लेकिन उनको मुझे लगा ज़्यादा ट्रेनिंग और ज़्यादा उन पर टाइम खर्चा, बच्चे अपने आप बड़े हो जाते हैं, डॉग्स को पूरा ट्रेन करना पड़ता है. बट माय किड्स लव देम, आई लव देम, और अब उनको लगता है मैं उनकी मम्मी हूँ, तो वो सब छोड़ के पहले मेरे पास भाग के आते हैं. तो इट्स क्योंकि आई इन ऑल दीज इयर्स हैव, मैंने कभी भी आई वाज नॉट अ एनिमल लवर, तो बट माई डॉटर्स हैव टॉट मी हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू. देखिए, सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, जो वर्ल्ड फॉर ऑल ये संस्था है, इसके साथ हम पिछले 3 साल से जुड़े हैं. ये तीसरा अडॉप्टथॉन है जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं. इस लोकेशन में ये पहली बार हो रहा है. हमें ये जान के खुशी है कि यहाँ पर काफ़ी लोग आए हैं और आज मेरे ख्याल से 70 या 75 अडॉप्शंस के लिए आए थे यू नो एनिमल्स, और आई एम नॉट श्योर, लेकिन आई थिंक 40-45 अडॉप्शंस हो चुके हैं. तो बहुत खुशी होती है. हमने खुद पिछले 2 अडॉप्टथॉन में 2 डॉग्स को अडॉप्ट किया था. तो कहीं ना कहीं ये कहना चाहूँगा कि मैं कहीं शुक्रगुजार हूँ वर्ल्ड फॉर ऑल जैसी संस्था का, जो हमारे इस शहर में कम से कम इन एनिमल्स के लिए ये काम कर रहे हैं. और वो दिन रात बहुत मेहनत से काम करते हैं, और ये मैंने खुद यू नो जांचा हुआ है, क्योंकि मैं कई बार उन्हें फ़ोन करता हूँ जब मुझे किसी का फ़ोन आता है कि कहीं पर यार देयर इज अ पपी हू इज़ इन नीड और अ किटन हू इज़ इन नीड, एंड देव ऑलवेज बीन देयर, और उन्होंने हमेशा उसका ध्यान रखा है. सो आई एम वेरी हैप्पी एक्चुअली टू बी हियर एंड सपोर्ट दिस कॉज. हाँ, जैसे कुणाल ने कहा, हम सबसे पहले वर्ल्ड फॉर ऑल के साथ 3 साल से जुड़े हैं, और इससे पहले मुझे बचपन से डॉग्स किटन्स जानवरों से बहुत प्यार है. पटौदी में तो 4 हैं, दिल्ली में 2 हैं, मुंबई में 1 है, और वी ऑलवेज इंकरेज पीपल डॉग लवर्स. आप किस तरह के भी इंसान हैं, आपके लिए एक आपका पेट है. If you're slightly older and you don't spend a lot of time at home, you can get a cat. If you spend a lot of time at home, then you should get a dog. So there's an animal for each and every one of you. Dogs at home that have been rescued, and I also have a cat at home that's also been rescued. I love animals. I've always loved animals. I've grown up with animals at the end of the day. So for me, to be here to help them, it's just something I've always wanted to do. It's a cause that I've always wanted to be really close to, and I'm always going to help animals, and I've even turned vegetarian for animals. So yeah. It's nice. Main har saal aata hu yahan pe. In fact, I was in Dubai, but I got a call from them that I had to come. I was supposed to come to Bombay tomorrow, but I came back for this because I really support the cause, and I myself have 7 dogs at home. Okay. Yeah, so I have 7 babies at home, which I love. I live alone and I live with them. So I think this is a great cause. I wish I could take one puppy from here today, but if I take that one puppy, I think my parents are going to throw me out of the house. I think if you spend more time with a cat, obviously we haven't spent enough time with cats to understand them, and I'm sure that they also are predictable. Whenever an animal does something wrong, it's usually our own fault, not their fault. But I have the amount of love that I've got from the pets in my life. I want other people to experience that. Over here, especially in Bandra today, next to St. Teresa's Church, there are 100 or 150 dogs and cats are up for adoption. So all of you, please come here. Please, if you haven't already adopted a dog, do, or a kitten. It'll make you very happy, and you'll save a life, which is very important. Thank you.